नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का बयान, चयनित शिक्षिकाओं और शिक्षकों पर मामला दर्ज करने को लेकर बोले, ये लोकतंत्र का अपमान है। शंकर दयाल शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले, उपचुनाव की सभी सीटों पर कांग्रेस की तैयारी। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। शिक्षक संघ, उन पे लाठीचार्ज हुआ है, बेरोजगार भी आए थे, उन पे लाठीचार्ज हुआ है और उनको घसीट के ले जाया गया है। यह अत्यंत निंदनीय है। जो भी शिक्षक आए थे वो अपनी वाजिब मांगों को लेकर आए थे और उनका ये अधिकार था, लेकिन उनकी बातों को सुनना तो अलग रहा। उनके साथ जो निंदनीय व्यवहार किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है, यहाँ तक कि जो महिला शिक्षक थी उनके साथ जो निंदनीय व्यवहार हुआ है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। सर, आज हमारे भोपाल के गौरव सपूत, हमारे देश के दैदीप्यमान नक्षत्र डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा की जन्म जयंती है। डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा ने विभिन्न पदों पर रहते हुए सराहनीय कार्य किए और एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी है। उनकी जीवन यात्रा पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की जो उनकी यात्रा रही वो निष्कलंक रही और समय समय पर उनको जो दायित्व मिला उन्होंने उस दायित्व का समर्पित भाव से निर्वहन किया और अपने संपूर्ण जीवन में कीर्ति कलश स्थापित किए। आज के दिन हम उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। बीजेपी कह रही है कि 50 साल का भले कांग्रेस का इतिहास जीत करा हो लेकिन इस बार बीजेपी जीत दर्ज करेगी। दमोह में भी बीजेपी यही कह रही थी लेकिन चुनाव परिणाम आपने देखा। आशीर्वाद यात्रा जो चल रही है, कितना आशीर्वाद मिलेगा इनको? आशीर्वाद यात्रा जो चल रही है, सवाल ये है किस बात के लिए आशीर्वाद, पहले तो ये तय हो ना। क्या महंगाई बढ़ने के लिए, क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के लिए, क्या गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के लिए, क्या कानून व्यवस्था बिगड़ गई है उसके लिए, क्या देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है उसके लिए, क्या कोविड से जो अव्यवस्था हुई उसके लिए, किस बात के लिए?